हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि कल का बाजार मींस 29th अक्टूबर 2018 और पूरे हफ्ते का क्या रेंज रहने वाला है। और ये जो एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इसको बिल्कुल भी मिस ना करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो भी लेवल दी जाती है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वीकली टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो लास्ट वीक के एनालिसिस को आप व्यू कर सकते हैं। वीकली एनालिसिस मंडे को ब्रेक होने के बाद, लेवल ब्रेक होने के बाद, हमारा जो इस हफ्ते का जो टारगेट था 10,036 के आसपास और उसके नीचे का भी टारगेट था, उस लेवल को हमने इस हफ्ते फ्राइडे तक अचीवमेंट किया। और जिस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड देखा जा रहा है, उसके बेसिस पे अगला हफ्ता में नीचे या ऊपर का क्या टारगेट होगा और बैंक निफ्टी में, उसकी कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस विथ लेवल दी जाएगी। उससे पहले, इस चैनल को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और कोई भी सवाल हो, किसी भी स्टॉक के बारे में वीकली और मंथली लेवल जानना हो, कहां से तेजी और मंदी आएगी, उसका भी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अपना सवाल भी पुट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम जो भी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं वो एक डिस्क्लेमर के साथ होता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि हम जो भी लेवल दे रहे हैं, ये एक एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस से। यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ही ट्रेड करें। तो चलिए अब हम चल के देखते हैं कि निफ्टी का वीकली लेवल और मंडे का लेवल क्या रहने वाला है। तो ऑर्बिट एंगल एनालिसिस के बेसिस पे निफ्टी अगर 10,046-47 के ऊपर सस्टेन कर जाए, मीन्स कि 10,050 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो 10,101 एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। 10,101-10,102 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा, और फिर से अगर 10,101 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 10,130 के तरफ जा भी सकता है। लेकिन जिस तरीके से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और बड़े स्टॉकों में मंदी देखी गई थी मंडे के सेशन में, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों को मैं बराबर कंटिन्यू फॉलो करता रहा हूँ कि जो वैल्यू बाइंग स्टॉक है उनका बॉटम बन गया है, उनमें तेजी जारी रहेगी या कंसोलिडेशन जारी रहेगी, वही हम देख रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते में जिस तरीके से बड़े स्टॉकों में मंदी देखी गई है, निफ्टी को कहीं ना कहीं 10,000 का लेवल टूटेगा तो 9,960 के आसपास जा सकता है। तो ये बाजार बहुत ही डाउन ट्रेंड के दायरे में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर तेजी आती है तो तेजी सेलिंग के लिए ही यूज करना है, और लॉन्ग टर्म के पर्पस से, अच्छे स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही इस गिरावट को यूज करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 9,960 10,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा बाजार में। अब हम देखते हैं कि वीकली लेवल एनालिसिस क्या होगा। तो वीकली लेवल एनालिसिस जो है 10,101 मीन्स की 10,000 जो हमारा T3 था ऑर्बिट एंगल एनालिसिस के, इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो इस हफ्ते में मार्केट तेजी की ही उम्मीद रहेगी। तो जिस तरीके से मंडे की क्लोजिंग, हर हफ्ते में मंडे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रखता है ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, ये वीक भी 10,101 के ऊपर अगर निकलता है, क्लोजिंग देता है, सस्टेनेबिलिटी आती है मंडे के क्लोजिंग में, तो हम ये देख सकते हैं इस हफ्ते में 10,330 10,400-10,500 के आसपास जाते हुए। लेकिन अब रही बात कि बाजार 9,960 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो इस हफ्ते बहुत बड़ी सेलिंग का टारगेट भी अचीव हो सकता है। जो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू था कि 9,700 पे बॉटम बन सकता है,
वो बॉटम 9700 के आसपास भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये हफ्ता क्रूशल रहने वाला है, जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, और बड़े स्टॉकों में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी के पर्पज से बड़े स्टॉकों से दूरी बना के रखें। बहुत सारे लोग अब उस पर पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं, एज फॉर माय लॉन्ग टर्म व्यू उस पर ही निगेटिव की बारी है, तो अभी संभल के रहें। ये रहा हमारा निफ्टी की लेवल एनालिसिस। सेकेंड थिंग, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 9950 और 9875 के आसपास का बॉटम बना करके बाजार अगर रिवर्स करता है, 10,000 के ऊपर आता है, तो बाजार में एक सेकेंड वीक के सेकेंड पार्ट में 10,220 तक भी जाने की कोशिश करेगा। मींस कि ये हफ्ता 9875 के आसपास का बॉटम बना करके रिवर्स मारता है, 9960 के ऊपर सस्टेन करता है, तो दोबारा से हम 10,220 के आसपास आ सकते हैं। तो मींस कि इस हफ्ते का जो रेंज होगा नीचे का 9840 और ऊपर 10,220, अगर मंडे की क्लोजिंग रेंज बाउंड होती है तो, मींस कि 10,101 और 9,960 के अराउंड में बीच में अगर क्लोजिंग होती है तो बाजार दोनों ही तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा मंडे के लिए वो भी इम्पोर्टेंट होगा, 24,420। ये इसने 24,500 के लेवल को ब्रेक किया है, इसके बेसिस पे बैंक निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकल के आया है 24,200 और 24,640, मींस कि 24,650 24,640 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे 24,200 24,150 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करेगा, और ऊपर में जो मैंने रेजिस्टेंस बोला सपोर्ट बोला वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, मींस कि 24,640 24,650 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। जिधर भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा बाजार उसी साइड में जाने की कोशिश करेगा मंडे के लिए। फिर भी वीकली लेवल एनालिसिस क्या है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीकली लेवल एनालिसिस जो है 24,610 के ऊपर वही सेम लेवल आ रहा है, 24,610 620 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 25,000 के लेवल और 25,800 तक बाजार जा सकता है इस हफ्ते, लेकिन क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, 24,600 के आसपास क्लोजिंग देता है मंडे के सेशन में, तो हम 25,240 और 25,500 तक की तैयारी करेंगे इस हफ्ते। लेकिन 24,200 के लेवल को ब्रेक करता है जहां पे सपोर्ट है तो हम बहुत बड़ी गिरावट देखेंगे बैंक निफ्टी में, और जिस तरीके से बहुत सारे बैंकों के स्टॉकों में मंदी का सिनेरियो डेवलप होने वाला है इस हफ्ते या आने वाले सीरीज में, ये बहुत ही बड़ा क्रैक का कारण बनेगा। तो जिस तरीके से हमारा व्यू है कि बाजार शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की कोशिश का व्यू था मेरा कि थर्सडे तक जो एक्सपायरी हुआ है ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना के तेजी आएगी, वो बिल्कुल ही मंडे के सेशन फ्राइडे के सेशन में ये देखा गया है कि बाजार में निगेटिविटी ज्यादा डेवलप हो रही है और लोग स्टॉक बाई नहीं करना चाहते हैं। और मैंने बहुत पहले लास्ट वीक में ही स्टडी किया था कि 25 नवंबर तक फाइनल बॉटम बनने के चांसेज है, तो एक रिलीफ रैली आने के चांस है और था भी, अभी नहीं आया लेकिन आएगा, तो वो एक छोटा सा रिलीफ रैली होगा, लेकिन वो 10,100 से आने वाला था या अब आएगा या 9800 के लेवल से आएगा ये कहना मुश्किल है। बाजार 25 नवंबर तक डाउन ट्रेंड में है, छोटे छोटे पुलबैक आएंगे, वो पुलबैक कभी भी आ सकता है, लेकिन उस पुलबैक में अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं प्रॉफिट होता है तो स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो आज हमने यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, और भी कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी लेवल एनालिसिस हमने शेयर किया है उसको अपने स्टडी के बेस पे ही ट्रेड करें। सेकेंड थिंग, कोई भी क्यूरी हो
स्टडी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग कि हम 9:30 में आज मैं लाइव आकर के आप लोगों का स्टॉक पे चर्चा में एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, कोई भी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो या लेटेस्ट लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा मैं तो आप लोगों के सामने आने की आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से कि लाइव सेशन या कोई भी वीडियो हमने अपलोड किया है, जो कि आपके स्टडी और एजुकेशनल से रिलेटेड हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूँ, वो आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।